जिसका पिंडदान, जिसका गया श्राद्ध गया जी में हो चुका था, उसके बावजूद भी वो प्रेत योनि में था, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरा था। पितृपक्ष में जो 16 दिन है, ये हम सबके लिए बहुत कीमती दिन होते हैं। जिसने इस कीमती दिनों को सही से संजो लिया, समझ लो उसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया। कल मुझसे रात को प्रश्नोत्तरी में कोई पूछ रहा था, पितरों को प्रसन्न कैसे करें। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है पितृपक्ष में उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करें। और आपके पितरों को आप गया जी जरूर कराएं। अगर आपने गया नहीं करवाया है, आप कितने ही कार्य करते रहिए, आपके जीवन में वो चीज नहीं आ सकती जिसकी आपको तलाश है। पितृ प्रसन्न होते हैं सत्कर्म से, ध्यान रखिएगा। इस समय आप यहां परीक्षित के रूप में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए बता दूं कि आपके पितृ अपनी अपनी जगहों पर नाच रहे हैं, क्योंकि वो प्रसन्न हैं कि आप वो कर रहे हैं जिसके लिए वो तरस रहे हैं। गया जी का दर्शन ये है कि गया में आपको वो कार्य जरूर करना है जो आप करना चाहिए। अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। दूसरा, अगर आपको पितृ दोष है, अगर आपको कालसर्प दोष है, इस तरह का कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रह क्लेश है, अनेकों प्रॉब्लम्स आजकल हैं, उन सबका कारण अगर बड़ा ढूंढोगे तो आपको पितृ दोष मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पितरों के और कुल देवी देवताओं के प्रति जो हमारा कार्य था वो हम ठीक से कर नहीं पाए, ना कर पा रहे हैं, उसके वजह से हम परिणाम भोग रहे हैं।